बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। टुडे लेक्चर वी टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ नूडल्स, देयर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नूडल्स हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ पास्ता प्रोडक्ट एंड इज जनरली मेड फ्रॉम द फ्लोर रादर देन सेमोलिना और फरीना। तो जो ये नूडल जो होते हैं, ये पास्ता प्रोडक्ट्स की एक टाइप है जो कि हम फ्लोर से बनाते हैं, रादर देन द सेमोलिना और फरीना। तो यानी कि ये जो इसमें यानी कि ना सेमोलिना यूज़ होता है और ना फरीना, यानी सूजी और जो मैदा वो यूज़ नहीं होता नूडल्स के लिए। कंटेन साल्ट इन एडिशन टू फ्लोर एंड वाटर। तो इसकी जो रेसिपी होती है या जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, इसमें साल्ट यूज़ होता है फ्लोर और पानी के अलावा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डाइट ऑफ मैनी एशियंस। तो ये नूडल जो है, ये भी जो डाइट वगैरह हम लेते हैं तो उसका अहम पार्ट है। स्पेशली इन एशियन कंट्रीज नूडल जो है वो बहुत पसंद किए जाते हैं। ओरिजिनेटेड इन चाइना एज अर्ली एज 5000 BC, देन स्प्रेड टू द अदर एशियन कंट्रीज। तो जो इसका ओरिजिनेशन है वो ये चाइना से हुआ है ओरिजिनेट। तो कब हुआ था? बिफोर क्रिस्ट, 5000 BC। तो इसका जो रीजन है वो चाइना है, देन स्प्रेड टू द अदर एशियन कंट्रीज। तो उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो डिफरेंट अदर कंट्रीज़ हैं एशियन, तो वहाँ ये स्प्रेड आउट हो गया, फैल गया। इसका जो इसको बनाने का, इसको खाने का यानी कि जो कल्चर था या ट्रेंड था वो इंट्रोड्यूस हुआ विद इन डिफरेंट कंट्रीज़। नेक्स्ट, टुडे द अमाउंट ऑफ फ्लोर यूज फॉर द नूडल मेकिंग इन एशिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 40% ऑफ द टोटल फ्लोर कंज्यूम। तो यानी कि जो 40% जो है टोटल फ्लोर कंज्यूम हम यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ नूडल्स। बाकी भी जो यानी कि हैं वो अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नूडल्स। तो देर इज़ नो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन आर नोमेनक्लेचर फॉर द नूडल्स। तो कोई नोमेनक्लेचर नहीं है, ना ही कोई सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है जिसकी बेस पे जो है नूडल्स को क्लासीफाइड किया जा सके। यानी कि कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, कोई प्रूफ चीज़ नहीं है कि इस बेस पे जो है हम इसको करेक्टराइज करेंगे या जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। इट हैज़ वाइड डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन कंट्रीज। तो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें जो नूडल्स बनाए जाते हैं, तो हर एक की जो है उस इसकी रेसिपी में, उसके यानी कि बनाने में यानी कि डिफरेंट जो है चेंजिंग है, डिफरेंसेस हैं। नीड टू स्टैंडर्डाइज नूडल नोमेनक्लेचर यूजिंग ए यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो नूडल्स हैं इनको यानी कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है इसका जो है प्रॉपर नोमेनक्लेचर अडॉप्ट करना चाहिए ऑन यूनिवर्सल बेसिस, वर्ल्ड वाइड बेसिस। तो ताकि जो है इसकी ये यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन जो है वो डील कर सके। क्लासिफिकेशन बिलो इज बेस्ड ऑन द करंट स्टेट ऑफ द नॉलेज फॉर एशिया। तो जो यानी कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ये है कि ये डिफरेंट जो हैं जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें क्या कैसे यूज हो रहा है प्रोडक्ट्स वगैरह। नंबर वन है बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल। तो इट कैन बी मेड फ्रॉम द वीट फ्लोर अलोन आर इन द कम्बिनेशन विद द बक वीट फ्लोर। तो जो ये नूडल्स हैं इसको या तो हम एसज फ्लोर से, फ्लोर यानी कि जो वीट फ्लोर कॉमन होता है उससे बना सकते हैं, या फिर बक वीट फ्लोर का जो कम्बिनेशन है उसके साथ यानी कि यूज करके बना सकते हैं। वीट फ्लोर नूडल्स इंक्लूड चाइनीज एंड जापानीज टाइप नूडल्स। तो जो वीट बेस्ड फ्लोर नूडल्स होते हैं वो मोस्टली जो जापानीज और चाइनीज टाइप नूडल्स होते हैं। मैनी वराइटीज इन ईच नूडल टाइप रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फार्मूलेशन प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी, नूडल क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स। तो जो डिफरेंट वराइटीज़ हैं नूडल्स की, तो हर एक जो है वो डिफरेंट रेसिपी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंट फार्मूलेशन हैं के जो डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स यूज हो रहे हैं हर एक में। यानी कि रेसिपी कुछ जो है वो कॉमन होंगे, कुछ में यानी कि वो डिफर कर रहे हैं। प्रोसेसिंग एंड नूडल्स क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स, तो डिफरेंट टाइप्स की जो उसकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। नूडल्स कंटेनिंग बकवीट आर आल्सो कॉल्ड सोबा। तो यानी कि जो नूडल जो हैं जिसमें बकवीट भी यूज़ हो रहा है, तो उसको हम जो नूडल्स हैं उसको सोबा कहते हैं। नूडल्स आर टिपिकली लाइट ब्राउन और ग्रे इन कलर विद अ यूनिक टेस्ट एंड फ्लेवर। तो जो नूडल्स होते हैं ये इनका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन से लेके या ग्रे कलर होता है विद अ यूनिक टेस्ट एंड फ्लेवर। तो यानी इनका जो टेस्ट या फ्लेवर जो है वो यूनिक किस्म का होता है। चाइनीज टाइप नूडल्स आर जनरली मेड फ्राम हार्ड वीट फ्लोर करेक्टराइज बाई
ब्राइट क्रीमी वाइट और ब्राइट येलो कलर एंड फर्म टेक्सचर। तो जो चाइनीज टाइप नूडल्स होते हैं वो वीट हार्ड वीट फ्लोर से बनाए जाते हैं। हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वीट फ्लोर्स की पढ़ी थी, तो जो हार्ड वीट फ्लोर्स है उसकी मदद से जो है इसे बनाया जाता है। तो इसका जो कलर आता है वो ब्राइट क्रीमी या ब्राइट येलो कलर जो है वो आता है, और इसके अलावा जो टेक्सचर है वो फर्म होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है। जापानीज नूडल्स आर टिपिकली मेड फ्राम सॉफ्ट वीट ऑफ मीडियम प्रोटीन। तो यानी कि जो ये जापानीज नूडल्स हैं वो सॉफ्ट वीट से बनाए जाते हैं, तो इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो मीडियम होता है, तो इसलिए ये सॉफ्ट वीट से बनाए जाते हैं। क्रीमी वाइट कलर एंड ए सॉफ्ट एंड इलास्टिक टेक्सचर इज डिज़ायरेबल इन जापानीज नूडल। तो जो जापानीज नूडल है इसमें जो कलर होता है वो भी क्रीमी वाइट ही होता है, जो चाइनीज है उसमें भी क्रीमी वाइट है या येलो कलर है, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्ट होती है, जबकि जो दूसरी है ये चाइनीज टाइप उसमें जो प्रोडक्ट है वो फर्म टेक्सचर होता है उसका, एंड डिज़ायरेबल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी कि विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो डिज़ायरेबल इन द टेक्सचर। ये था बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल यानी कि जो वीट यूज़ कर रहे हैं। अब है बेस्ड ऑन साल्ट यूज। बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन साल्ट इन द फार्मूला नूडल्स कैन बी क्लासीफाइड एज वाइट कंटेनिंग साल्ट नूडल्स आर येलो कंटेनिंग अल्कलाइन साल्ट नूडल्स। तो दो किस्म के यानी कि नूडल्स हैं साल्ट बेस पे, तो साल्ट बेस पे जो है एक का कलर वाइट होता है जबकि दूसरे का जो है येलो, क्योंकि उसमें अल्कलाइन साल्ट मौजूद होते हैं नूडल्स में। अल्कली गिव्स नूडल्स देयर करेक्टरिस्टिक्स येलोनेस। तो जो अल्कली हम यूज़ कर रहे हैं तो वो जो करेक्टरिस्टिक्स कलर होता है येलो कलर का वो अल्कली प्रोवाइड करती है। इंस्टेंट नूडल्स फॉल अंडर द येलो अल्कलाइन नूडल कैटेगरी। तो जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, येलो अल्कलाइन नूडल कैटेगरी। बेस्ड ऑन द साइज, तो अब ये साइज की बेस पे यानी कि क्या है, बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ द नूडल स्टैंड्स। तो यानी कि जो नूडल स्टैंड्स की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी होनी चाहिए उस बेस पे यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन है। वेरी थिन का जो रेंज है वो 0.7 से लेके 1.2 मिलीमीटर है, जबकि जो थिन है वो 1.3 से लेके 1.7 मिलीमीटर इन विड्थ है। जो सेंडर है वो 1.9 से लेके 3.8 मिलीमीटर वाइड है, जबकि जो फ्लैट होते हैं यानी चौड़ी पट्टी टाइप जो होते हैं वो 5 to 6 मिलीमीटर वाइड है। ये सबसे ज़्यादा जो है चौड़े होते हैं फ्लैट। नो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के बेस पे यानी कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो कैसे होती है। द सिंपल वे टू क्लासीफाई नूडल्स बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग इज हैंडमेड वर्सेज मशीन मेड नूडल्स। तो इसमें यानी कि दो कैटेगरीज बेसिकली होती हैं, एक हैंडमेड होती है और दूसरी जो मशीन मेड नूडल्स होते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ नूडल्स हैं इसमें। नंबर 1 है फ्रेश जो नूडल्स हैं, नूडल स्टैंड्स कमिंग ऑफ आउट ऑफ स्लिटिंग रोल्स आर कट इनटू सर्टेन लेंथ फॉर द पैकेजिंग विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। तो यानी कि इसमें जो ये नूडल्स जो मशीन से आ रहे हैं स्लिटिंग में, यानी कि सुराख होते हैं स्लिटिंग रोल्स, तो या डाई कह लें आप, तो उसमें यानी कि जो सुराख के थ्रू जो आ रही हैं तो उसको फर्दर जो है लेंथ वाइज यानी डिज़ायरेबल जो लेंथ है उसमें कटिंग कर ली जाती है और फिर उसकी ऐसा पैकेजिंग कर दी जाती है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये होते हैं फ्रेश। ऑफन कंज्यूम विद इन 24 आवर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ड्यू टू क्विक डिस्कलरेशन। तो इसको जो है हम ये विद इन 24 घंटे जो है इसको कंज्यूम करना होता है, वरना जो इसकी कलर डिस्कलरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, मीन ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। शेल्फ लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 to 5 डेज इफ़ स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन। तो जो अगर इसकी शेल्फ लाइफ अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसको प्रॉपर इसकी स्टोरेज की जाएगी रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे। तो इसमें ये होगा इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 3 to 5 डेज जो है वो ये तक यानी करामद रहेंगे, खाने के काबिल रहेंगे। टिपिकल एग्जाम्पल्स आर द चाइनीज रॉ नूडल्स, अडन नूडल्स एंड सोबा नूडल्स। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो चाइनीज नूडल हैं, चाइनीज रॉ नूडल्स हैं, अडन नूडल्स हैं एंड सोबा नूडल्स हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ड्राइड नूडल्स। फ्रेश नूडल्स स्टैंड्स आर ड्राइड बाय सनलाइट आर इन ए कंट्रोल चैम्बर। तो यानी कि या तो ये सनलाइट जो होती है वो अनकंट्रोल्ड जो होती है ड्राइनेस होती है, जबकि जो कंट्रोल चैम्बर है उसमें हम जो डिफरेंट कंडीशंस है लाइक टेम्परेचर है या जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो जो मशीन है उस पर यानी कि मैनुअली सेट वगैरह कर लेते हैं कि, और फिर उसको वो ये है कि प्रॉपरली चेकआउट करते रहते हैं कि कितना जो मॉइस्चर कंटेंट है या कितनी जो ड्राइनेस की डिग्री है वो अचीव कर ली है। शेल्फ लाइफ इज़ ड्रामेटिकली एक्सटेंडेड बट फ्रेजाइल नूडल्स मे हैव हैंडलिंग प्रॉब्लम्स।
तो यानी कि इसमें यानी कि ये क्या मसला आता है कि एक तो यानी कि जो शेल्फ लाइफ है, मसलन जो मॉइस्चर कंटेंट है वो यानी कि काफी हद तक जो है वो कम हो गया है। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है तो इस तरह जो शेल्फ लाइफ है जो वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर गई है, बट फ्रेजाइल यानी ये नूडल्स खराब हो जाते हैं, मे हैव हैंडलिंग प्रॉब्लम। तो इनको यानी कि फ्रेजाइल मतलब वो खराब हो जाना, तो ये नूडल जो है इनमें हैंडलिंग प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट जो है वो है बॉयल्ड, तो जो बॉयल्ड कैटेगरीज हैं दीज आर द फ्रेश नूडल स्टैंड आर आइदर पैरा बॉयल्ड 90% कम्प्लीट कुकिंग आर फुली कुक। तो बॉयल में फर्दर जो है वो दो किस्म की टाइप्स हैं, एक है पैरा बॉयल्ड जिसमें यानी कि 90% कम्प्लीट कुकिंग है, और जबकि जो दूसरा है वो फुली कुकड है उसमें 100% कुकिंग है। आफ्टर पैरा बॉयलिंग चाइनीज वेट नूडल्स एंड हुकिंग नूडल्स आर अरेंज्ड इन कोल्ड वाटर ड्रेन एंड कोटेड विद 1 to 2% वेजिटेबल ऑयल टू प्रिवेंट स्टिकिंग। तो ये जो है पैरा बॉयलिंग चाइनीज वेट नूडल्स उस या जो हुकिंग नूडल्स होते हैं इनको रिंस किया जाता है, धोया जाता है, वॉशिंग की जाती है कोल्ड वाटर के साथ, फिर उसके बाद जो है ड्रेनेज है प्रॉपर यानी कि जो वाटर है वो रिमूव हो जाए, और इसके बाद जो है इसकी कोटिंग की जाती है विद 1 to 2% वेजिटेबल ऑयल टू प्रिवेंट स्टिकीनेस यानी कि वो चिपके ना एक दूसरे के साथ। बॉयल्ड नूडल्स आर रीकुक्ड फॉर अनदर 1 to 2 minutes बिफोर सर्विंग। तो जो बॉयल्ड नूडल्स होते हैं उनको हम रीकुक्ड करते हैं फॉर 1 to 2 minutes बिफोर सर्विंग, यानी कि सर्विंग से पहले जो है वो 1-2 मिनट इसको बॉयल्ड रीकुक किया जाता है। नेक्स्ट है जो है वो है स्टीम, फ्रेश अल्कलाइन नूडल स्टैंड आर स्टीम्ड इन ए स्टीमर। तो इसमें जो है स्टीम का प्रोसेस यूज़ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्टीमर एंड सॉफ्टन विद वाटर थ्रू रिंसिंग और स्टीपिंग। तो इसको फिर जो है फर्दर ये स्टीमर एंड सॉफ्टन विद द वाटर, तो वाटर के थ्रू जो है इसको सॉफ्टन किया जाता है या रिंसिंग की जाती है या स्टीपिंग भिगो दिया जाता है या फिर से वॉश आउट किया जाता है। दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज यकीसोबा। तो जो स्टीम जो है ये स्टीम फ्रेश अल्कलाइन जो स्टैंड होते हैं इनको यकीसोबा कहते हैं। ये ऑफन प्रिपेयर बाय स्टीर फ्राइंग फॉर कंजप्शन। तो इसकी जो है वो स्टीर फ्राइंग की जाती है फॉर द कंजप्शन। तो जो ये स्टीर फ्राइंग होती है ये एक टाइप है मसलन के स्पेसिफिक है, मसलन ये जो स्टीर फ्राइंग है मोस्टली जो है चाइनीज़ कंट्रीज में जो है वो ये यूज़ की जाती है, चाइनीज़ कुकिंग टेक्निक है। तो इसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम फ्राइंग कर रहे हैं तो वो वेरी लिटल अमाउंट ऑफ जो है ऑयल जिसमें फ्राइंग कर रहे हैं, तो जो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो ये रिपीट करता हूँ, स्टीर फ्राइंग क्या होती है? इट इज़ अ चाइनीज़ कुकिंग टेक्निक इन विच इंग्रेडिएंट्स आर फ्राइड इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी हॉट ऑयल वाइल बींग स्टेड ऑन ए वॉक। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट है डिफरेंट जो इन्ग्रीडियंट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट जो है फ्लोर क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ईच नूडल टाइप रिक्वायर इट्स ऑन स्पेसिफिक फ्लोर क्वालिटी क्राइटेरिया। तो जो भी यानी कि हम नूडल की वराइटी बना रहे हैं तो हर एक का जो फ्लोर क्वालिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। तो मसलन यानी कि किसी में किसी की तैयारी में जो है वो प्रोटीन की क्वांटिटी हमें लेस रिक्वायर्ड है, स्पेशली द सॉफ्ट वन, तो जिसमें यानी कि मीडियम क्वांटिटी होती है, और जो हार्ड होते हैं उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। फ्लोर प्रोटीन एश कंटेंट एंड फ्लोर पेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स आर द मेजर स्पेसिफिकेशन। तो जो फ्लोर का जो प्रोटीन है या जो उसका एश कंटेंट है, क्योंकि एश कंटेंट भी जो है वो एंड प्रोडक्ट्स को वेरिएबल कर देता है, तो अगर एश कंटेंट ज़्यादा होगा तो जो बेक प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी एज़ कम्पेयर टू द वाइट फ्लोर। और इसके अलावा जो है फ्लोर पेस्टिंग यानी कि जो ये पेस्ट वगैरह बन जाता है जो यानी कि यूज़ करते हैं डो को, यानी कि पेस्टिंग, फ्लोर पेस्टिंग उसे कहते हैं। फ्लोर पेस्टिंग आर द मेजर स्पेसिफिकेशंस। प्रोटीन कंटेंट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द नूडल्स टाइप्स टू अचीव द डिजायर्ड ईटिंग क्वालिटी। तो जो प्रोटीन कंटेंट्स होता है वो वेरी करता है क्योंकि जो नूडल्स की टाइप के अगेंस्ट के किस टाइप के जो है वो नूडल्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं टू अचीव द डिज़ायर ईटिंग क्वालिटी। तो ईटिंग क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोटीन है
उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो वेरी कर रहे हैं. फ्लोर प्रोटीन कंटेंट हैज़ ए पॉजिटिव कोरिलेशन विद द नूडल हार्डनेस एंड ए नेगेटिव कोरिलेशन विद द नूडल ब्राइटनेस. तो जो प्रोटीन कंटेंट है उसका पॉजिटिव रिलेशन है टूवर्ड्स द नूडल हार्डनेस की तरफ, और उसका जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो नूडल ब्राइटनेस की तरफ से. अगर यानी फ्लोर में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो नूडल हार्डनेस होगी, और इसके अलावा जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन उसमें ये होगा कि फिर जो नूडल की वो ब्राइटनेस है वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उस पर. नेगेटिव कोरिलेशन विद द नूडल ब्राइटनेस. मोस्ट नूडल्स फ्लोर रिक्वायर एश कंटेंट बिलो 0.5%. तो जो मोस्टली जो नूडल्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो एश कंटेंट है डिज़ायरेबल वो है 0.5%, बट प्रीमियर क्वालिटी नूडल्स आर ऑफन मेड फ्राम फ्लोर्स ऑफ 0.4% आर लेस एश. तो जो यानी कि आप ये जो फ्लोर की क्वालिटी है उसमें भी यानी कि ये क्राइटेरिया था कि 0.4% एल्डिस होना चाहिए. तो ये प्रीमियम क्वालिटी नूडल्स में यानी कि यूज़ करते हैं उसमें जो एश कंटेंट है वो 0.4% यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं वो वाला फ्लोर. स्टार स्पेसिंग करेक्टरिस्टिक्स एज मेजर्ड ऑन द माइलोग्राफ आर रैपिड विस्को एनालाइजर आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो ये माइलोग्राफ आप लोगों ने ये फ्रीनोग्राफ मिक्सोग्राफ माइलोग्राफ तो यानी कि ये एनालिसिस के लिए होता है स्टार पेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स को. तो रैपिड विस्को एनालाइजर आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो माइलोग्राफ की मदद से जो है स्टार पेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेजर अप कर लिए जाते हैं. द रेशो ऑफ अमाइलोज टू माइलोपेक्टिन कंटेंट डिटरमाइंस स्टार पेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स. तो जो रेशो होती है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कंटेंट की तो वो डिटरमाइन करती है कि स्टार पेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है. माइलोज जो होती हैं यानी कि ये स्ट्रेट चेन होती हैं जो स्टार्च में यानी कि जो स्टार्च का पॉलीसेक्राइड्स होता है माइलोज जो उसमें होती हैं वो स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो माइलोपेक्टिन होते हैं ये ब्रांच चेन होते हैं. तो इनका कंटेंट जो होता है वो 5-10% इन द स्टार्च मॉलिक्यूल होता है. तो ये डिटरमाइन करती है इनकी रेशो के स्टार्च स्पेसिंग करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. फ्लोर माइलोज कंटेंट बिटवीन 22-24% इज ऑफर रिक्वायर्ड फॉर द नूडल मेकिंग. तो जो माइलोज कंटेंट है वो 22-24% जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर नूडल मेकिंग, यानी एल्डिस क्राइटेरिया जो है 22-24% है. मेजरमेंट ऑफ द पेस्टिंग विस्कोसिटी ऑफ फ्लोर आल्सो रिलेट्स टू द नूडल क्वालिटी. के जो उसकी पेस्टिंग कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी कितनी है, कितना विस्कस है फ्लोर, तो ये रिलेट्स करता है नूडल क्वालिटी के. हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अल्फा माइलेज एक्टिविटी इन द फ्लोर विल अंडरमाइन द प्रेडिक्शन रिजल्ट. तो यानी कि अल्फा माइलेज जो होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च मॉलिक्यूल्स को. तो ये जो एंजाइम्स हैं अल्फा माइलेज, तो ये जो इनकी एक्टिविटी पे बेस यानी कि इसी पे बेस पे यानी कि हम जो अल्फा माइलेज एक्टिविटी होती है एक जो फॉलिंग नंबर एक टेस्ट होता है वो यानी कि हम डिटरमिन करते हैं फॉर द प्रोटीन. ये आटे में यानी कि जो अल्फा माइलेज एक्टिविटी है वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलिंग नंबर. तो उसमें ये है कि जो एंजाइम एक्टिविटी है वो हम मेजर कर लेते हैं. तो जो अल्फा माइलेज एक्टिविटी है अगर उसकी प्रेजेंस ज़्यादा है तो फिर ये जितने यानी कि रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ फ्लॉ होगी ऐसे प्रोडक्ट्स बनेगी तो ये अंडरमाइन द प्रेडिक्शन रिजल्ट, यानी फिर वो गलत भी हो सकते हैं जो रिजल्ट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर यानी इसमें अल्फा माइलेज क्वांटिटी ज़्यादा है. इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम रिड्यूस द पेस्ट विस्कोसिटी. तो यानी कि जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि अल्फा माइलेज जो है वो ब्रेक डाउन द डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्स. सेडिमेंट टेस्ट फ्रीनोग्राफ एक्सटेंसोग्राफ मेजरमेंट्स अफेक्ट नूडल प्रोसेसिंग बिहेवियर एंड नूडल्स ईटिंग क्वालिटी. तो ये 14 कुछ नहीं है, ये आई थिंक ये गलती से स्लाइड में ऐड हुआ है. सेडिमेंटेशन टेस्ट या फ्रीनोग्राफ या एक्सटेंसोग्राफ मेजरमेंट अफेक्ट द नूडल प्रोसेसिंग बिहेवियर. हाई सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग डो. तो अगर सेडिमेंटेशन का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा तो वो जो है डो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी विच इज़ गुड फॉर द नूडल्स डैट रिक्वायर्ड ए फर्म बाइट एंड ए स्प्रिंजी टेक्सचर. तो जो इस डेफिनेट जो है वो बाइट है यानी कि बाइट जो है विस्कस टाइप जो है वो माउथ फील देगी, फर्म बाइट स्मूथ यानी कि जो बाइट होगी, और उसके अलावा स्प्रिंजी टेक्सचर होगा इसका. ये जो एक्सटेंसोग्राफ है एक्सटेंसोग्राफ होता है लफ्ज़ नेक्स्ट है एक्सटेंसोग्राफ पैरामीटर्स
मेजर द बैलेंस ऑफ द डो एक्सटेंसिबिलिटी वर्सेस द इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी। तो ये एक्सटेंसोग्राफ पैरामीटर जो हम मेजर कर रहे हैं, मेजर द बैलेंस ऑफ द डो एक्सटेंसिबिलिटी। तो एक्सटेंसिबिलिटी यानी डो की जो विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं उसके जो है एक्सटेंसिबिलिटी वर्सेस इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। टू मच एक्सटेंसिबिलिटी रिजल्ट इन द ड्रॉपी डो। तो अगर इस यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो टेक्सचर जो है वो हमारा ड्रूपी टाइप होगा। अगर टू मच इलास्टिक काजिंग डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग फाइनल नूडल थिकनेस। तो अगर यानी कि उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे, जो नूडल का फाइनल वॉल्यूम होगा वो थिक होगा। फ्रीनोग्राफ स्टेबिलिटी टाइम हैज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द रॉ नूडल टेक्सचर एंड टॉलरेंस इन द हॉट सूप। तो जो फ्रीनोग्राफ की स्टेबिलिटी टाइम है, यानी कि इसमें यानी कि जो टेस्ट होते हैं एक्सटेंसोग्राफ फ्रीनोग्राफ में, यानी कि जो डिफरेंट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो है डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो यानी कि मेजर करते हैं। मसलन उसमें पीक टाइम होता है, और इसके अलावा ये स्टेबिलिटी टाइम है, अराइवल टाइम है, डिपार्चर टाइम है, यानी कि जो फ्लोर के रिलेटेड जो डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं फ्रीनोग्राफ। तो स्टेबिलिटी टाइम हैज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द रॉ नूडल टेक्सचर। तो रॉ नूडल टेक्सचर का जो है वो फ्रीनोग्राफ का जो स्टेबिलिटी टाइम है उसके साथ होता है। एंड टॉलरेंस इन द हॉट सूप इट शुड बी कॉशन डैट। तो ये यानी कि कॉशन किया जाता है डैट ए नूडल डो इज मच लोअर इन वाटर अब्जॉर्प्शन देन ब्रेड डो। तो यानी कि जो नूडल्स के लिए हम डो बना रहे हैं तो उसमें जो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द ब्रेड डो। रियोलॉजिकल टेस्ट में नॉट बी एप्लीकेबल टू नूडल डो वैल्यूएशन। तो रियोलॉजिकल यानी कि जो डिफरेंट टेस्टिंग की जाती है वो यानी कि एप्लीकेबल नहीं है नूडल्स की फॉर्मेशन के लिए या उसकी वैल्यूएशन के लिए। नीड टू डिवेल्प न्यू टेस्ट फॉर रिलेटिंग ए नूडल डो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज टू ईटिंग क्वालिटी। तो यानी कि नए जो टेस्ट हैं वो इन्वेंट करने की या उसे रिलेट करने की ज़रूरत है विद द नूडल डो, ताकि जो डिफरेंट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ईटिंग क्वालिटी के रिलेट वो हम चेकआउट कर सकें। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। बेसिक प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉर द मशीन मेड नूडल्स आर द जो। तो ये अब यानी कि ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रहे हैं कि किस कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर द मेकिंग या द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। पहले हमने पढ़ा कि नूडल्स क्या होते हैं, फिर हमने उसकी जो डिफरेंट नॉन सिस्टमेटिक क्लासीफिकेशन है कि साल्ट की बेस पे है या जो प्रोटीन कॉन्टेंट है उसकी बेस पे है या सॉफ्ट है हार्ड है, और इसके अलावा जो है जापानी चाइनीज नूडल्स टाइप्स पढ़े। फिर उसके जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक फ्लोर है तो वो फ्लोर किस किस्म का है, बकवीट फ्लोर है या अलोन कम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके डिफरेंट जो टेस्ट वगैरह हैं लाइक अल्फा माइलीज एक्टिविटी जो पेस्टिंग को अफेक्ट करते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट ये फ्रीनोग्राफ में यानी कि पीक टाइम वगैरह या जो स्टेबल टाइम वो पढ़ा। फिर ये किस तरह को रिलेट करते हैं सारी। नेक्स्ट जो है इसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो बेसिक प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉर द मशीन मेड नूडल्स हैं वो है। फर्स्ट है इसमें मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स। मिक्सिंग फार्मूला इंग्रेडिएंट्स इज ऑफन कैरीड आउट इन ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिक्सर। तो यानी कि कई किस्म के जो हैं वो मिक्सर होते हैं, तो इसमें यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मिक्सर जो हम यूज़ करते हैं फॉर 10 to 15 minutes। तो डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्सअप करके जो है वो एक फाइनल फार्मूलेशन बना ली जाए। सिंस द हॉरिजॉन्टल मिक्सर सीम्स टू हैव बेटर मिक्सिंग रिजल्ट्स इट इज़ मोर कॉमनली यूज दैन द वर्टिकल वन इन द कमर्शियल नूडल प्रोडक्शन। तो जो हॉरिजॉन्टल मिक्सर है वो उसके जो मिक्सिंग रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं एज कम्पेयर टू द वर्टिकल वन। सो द इट इज़ मोर कॉमनली यूज। तो जो है हॉरिजॉन्टल मिक्सर जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं दैन द वर्टिकल वन इन द कमर्शियल नूडल प्रोडक्शन। तो कमर्शली जो नूडल प्रपेयर किए जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल मिक्सर के थ्रू किए जाते हैं। मिक्सिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रम्बली डो विद ए स्मॉल एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। तो जो मिक्सिंग है उसका रिजल्ट क्या होता है, एक क्रम्बली डो सी बन जाती है विद ए स्मॉल एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। तो उसमें जो छोटे छोटे स्मॉल और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज है उसका यानी कि क्रम्बली डो सी बन जाती है। सिंस द वाटर एडिशन लेवल इज़ रिलेटिवली लो। क्रम्बली क्यों होती है, क्योंकि यानी कि जो वाटर कंटेंट है, हमने बात की थी कि जो ब्रेड की निस्बत है यानी कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होनी चाहिए वो डो बनानी है। सिंस द वाटर एडिशन लेवल इज़ रिलेटिवली लो ग्लूटन डेवलपमेंट इन द नूडल डो ड्यूरिंग मिक्सिंग इज मिनिमाइज।
तो फिर यानी कि जो वाटर का एडिशन है वो भी कम है, तो इसकी वजह से, क्योंकि जो ब्रेड में हमने बात की थी कि ब्रेड में जो है वो ज़्यादा पानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नूडल्स, तो जो ग्लूटन की डेवलपमेंट है यानी कि जो डो बनी है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होगी, क्रम्बली जी सी होगी, क्योंकि उसमें जो ग्लूटन डेवलपमेंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द ब्रेड। दिस इम्प्रूव द डो शीटाबिलिटी, शीटेड डो स्मूथनेस एंड यूनिफॉर्मिटी। तो यानी कि इसका मकसद क्या है कि जो शीट्स वगैरह इसकी बनानी है डो की, जो कटिंग वगैरह या जो दूसरी जो इसकी शीटी डोज हैं या स्मूथनेस है इसकी, यूनिफॉर्मिटी जो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारा कुछ ये क्लम्बली जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट है डो रेस्टिंग। तो जो ये डो बना ली है हमने तो इसकी प्रॉपर जो है वो रेस्टिंग की जाती है। आफ्टर मिक्सिंग द डो पीसीज आर रेस्टेड, तो यानी कि उसके यानी कि डो के डिफरेंट पीसेज वगैरह बना लिए जाते हैं। अब ये नहीं कि पूरा एक डो का जो है वो क्लस्टर सा उठा लेना है। आफ्टर मिक्सिंग द डो पीसीज आर रेस्टेड फॉर 20 to 40 minutes बिफोर कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग करने से पहले जो है उसको 20 से 40 मिनट जो है वो रेस्ट दिया जाता है। डो रेस्टिंग हेल्प्स वाटर पेनिट्रेट इन टू डो पार्टिकल्स इवनली, रिजल्टिंग इन ए स्मूथर एंड लेस स्टिकी डो आफ्टर शीटिंग। तो यानी कि जो ये रेस्टिंग देने का मकसद क्या होता है कि जो वाटर है वो अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए डो पार्टिकल्स में इवनली, रिजल्टिंग इन ए स्मूथर एंड लेस स्टिकी डो आफ्टर शीटिंग। तो शीटिंग के बाद यानी कि जो है इसका लेस स्टिकी फ्लेवर जो है शीटिंग हो जाए। इन कमर्शियल प्रोडक्शन डो इज रेस्टेड इन ए रिसीविंग कंटेनर वाइल बीइंग स्टेड स्लोली। तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन होती है नूडल्स की, उसमें क्या किया जाता है डो की जो रेस्टिंग स्टेज है वो रिसीविंग कंटेनर में दी जाती है और वो उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेयर करती है घूमती है। नेक्स्ट है शीटिंग एंड कंपाउंडिंग। तो दी रेस्टेड क्रम्बली डो पीसीज इंटू आर डिवाइडेड इंटू टू पोर्शन। तो जो रेस्टेड या क्रम्बली डो है जो पीसीज है उसके उसको जो दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया जाता है। ईच पासिंग थ्रू ए पेयर ऑफ शीटिंग रोल्स। तो ये टू के दो रोल्स आपस में यानी कि अटैच होते हैं, तो वो उनके दरमियान से जब उनको गुजारा जाता है तो प्रॉपरली जो शीट्स वगैरह बन जाती है, शीटिंग रोल्स टू फॉर्म ए नूडल डो शीट। तो जो ये शीटिंग रोल्स होते हैं ये प्रॉपरली जो है शीट बना देते हैं नूडल्स की। द टू शीट्स आर देन कम्बाइंड। तो ये दोनों शीट्स जो हैं वो उनको बाद में कम्बाइंड कर लिया था, उसे कहते हैं कंपाउंडेड या कंपाउंडिंग स्टेज। एंड पास थ्रू ए सेकंड सेट ऑफ शीटिंग रोल्स टू फॉर्म ए सिंगल शीट। तो ये दो शीट्स ही उनको आपस में कम्बाइंड कर लिया, उसको हम कहते हैं कंपाउंडेड। तो इसमें ये है कि जो शीटिंग रोल्स हैं वो उसको दोनों शीट्स को आपस में कम्बाइन करके एक सिंगल शीट बना ली जाती है। द रोल गैप इज एडजस्टेड सो दैट द डो थिकनेस रिडक्शन इज बिटवीन 20 to 40%। तो जो ये शीटिंग या जो ये कंपाउंडिंग जो है रोलर्स, इनमें जो है फासला वो एडजस्टेड किया जाता है ताकि जो शीट बने वो उसकी रिडक्शन 20 से 40% हो डो की। द कंबाइंड डो शीट इज ऑफन कैरीड ऑन ए मल्टी लेयर कन्वीनियर बेड लोकेटेड इन अ टेम्परेचर एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड कैबिनेट। तो इसे एक मल्टी कन्वेनियर बेल्ट के थ्रू जो है जो ये डिफरेंट शीट्स ये कंपाउंडेड शीट्स बन रही हैं, तो उसको ये एक कैबिनेट के थ्रू गुजारा जाता है जिसमें जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या जो टेम्परेचर वगैरह है उसकी जो डिफरेंट कंडीशन है वो सेट की होती हैं, तो उसके थ्रू ये गुजरता है। दिस स्टेप इज रिलैक्स द डो फॉर ईजी रिडक्शन इन द सब्सिक्वेंट शीटिंग ऑपरेशन। तो ये जो स्टेप है ये जो रिलेटिव टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के कैबिनेट से गुजारा जाता है, तो उससे ये है कि जो डो है वो फर्दर रिलैक्स कर दे फॉर द इजी रिडक्शन इन द सब्सिक्वेंट शीटिंग ऑपरेशन। द रेस्टिंग टाइम टेक्स अबाउट 30 to 40 minutes। तो ये 30 से 40 मिनट लेता है ये। नेक्स्ट है शीटिंग सिल्टिंग एंड वेविंग। डो शीटिंग इज डन ऑन ए सीरीज ऑफ 4 to 6 पेयर्स ऑफ द रोल्स। शीटिंग सिल्टिंग एंड वेविंग। डो शीटिंग इज डन ऑन ए सीरीज ऑफ 4 to 6 पेयर ऑफ रोल्स विद डिक्रीजिंग रोल गैप्स। तो जो ये 4 से 6 पेयर के रोल्स हैं इसमें से गुजारा जाता है जिसमें यानी कि गैस डिक्रीज कर रहा है। नूडल स्लिटिंग इज डन बाय कटिंग मशीन विच इज इक्विप्ड विद अ पेयर ऑफ कैलिब्रेशन रोल्स, ए स्लिटर एंड कटर आर ए वेवर। तो जो ये नूडल स्लिटिंग है वो कैसे डन की जाती है, थ्रू ए कटिंग मशीन विच इज इक्विप्ड विद अ पेयर ऑफ कैलिब्रेशन रोल्स। तो इसमें एक कैलिब्रेशन रोल होता है, एक स्लिटर होता है और एक कटर होता है या वेवर होता है। The final dough sheet thickness is set on the calibration rolls according to the noodle type. तो जो thickness है उसकी वो according to the noodle type जो है उसको calibrate जो roll है उनको set किया जाता है कि इस इतनी thickness का जो है हमें noodle चाहिए।
The sheet is cut into the noodle stands of the desired width with a slitter. तो स्लेटर की मदद से जो है वो जो शीट है वो कट की जाती है इनटू नूडल स्टैंड्स ऑफ द डिजायर विड्थ. नूडल स्टैंड्स आर कट इनटू डिजायरेबल लेंथ बाय कटर. तो जो ये कटर के थ्रू इसकी प्रॉपर जो है वो लेंथिंग की जाती है. एट दिस स्टेज चाइनीज रा नूडल्स एंड जापानीज अडन नूडल्स मेकिंग इज कंप्लीट. तो ये जो चाइनीज रा नूडल्स होते हैं या जो जापानीज अडन नूडल्स हैं तो इनकी जो है ये प्रोसेसिंग इस स्टेज पे कंप्लीट हो गई है. फॉर मेकिंग इंस्टेंट नूडल्स नूडल स्टैंड्स आर वेव्ड बिफोर स्टीमिंग एंड कटिंग. तो अगर यानी कि हम इंस्टेंट नूडल्स बना रहे हैं तो जो नूडल स्टैंड जो बन गए हैं आर वेव्ड बिफोर स्टीमिंग एंड कटिंग. तो उनकी जो है वो वेव्ड या स्टीमिंग की जाती है. कुकिंग नूडल्स क्या होते हैं. कुकिंग प्रोसेस इंक्लूड पैरा बॉयलिंग बॉयलिंग एंड स्टीमिंग. तो जो कुकिंग नूडल्स है उसमें तीन स्टेप्स हैं पैरा बॉयलिंग बॉयलिंग और स्टीमिंग का. चाइनीज वेट नूडल्स आर यूजुअली पैरा बॉयल्ड फॉर 45 टू 90 सेकंड्स टू अचीव 80-90% जेलेटिनाइजेशन इन स्टार्च. जो चाइनीज वेट नूडल है उसमें जो है वो ये से 45-90 सेकंड जो है वो इसे यानी कि इस पीरियड से गुजारा जाता है पैरा बॉयलिंग का जो स्टेप है. तो उसमें ये होता है कि 80-90% जो है जेलेटिनाइजेशन हो जाती है स्टार्च की. The noodles are then coated with 1-2% edible vegetable oil to prevent the stands from the sticking together. तो एक दूसरे के साथ चिपके ना तो उनको 1-2% जो है vegetable oil जो edible है उसके साथ जो coating की जाती है इसकी properly. Parabolic noodles have an extended shelf life of 2-3 days and high weight gain 60-70%. तो जो parabolic noodles होते हैं उसमें जो shelf life होती है वो 2-3 दिन होती है और इसका जो वेट गेन होता है वो 60-70% होता है. दे आर क्विकली रीकुक्ड बाय बॉइलिंग आर स्टिर फ्राइंग प्रायर टू कंजम्पशन. तो इनकी जो है वो रीकुकिंग बाय बॉइलिंग या फिर इसकी जो स्टिर फ्राइंग है जो कि यानी कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल में की जाती है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है. जापानीज अडन नूडल्स आर बॉइल्ड फॉर 10-15 मिनट्स रिंस्ड एंड कूल्ड इन रनिंग वाटर स्टीम इन डिल्यूट एसिडिक वाटर before packing and further steam for 30 seconds in a pasteurized steamer. तो जो जापानीज अडन नूडल्स हैं उनको यानी कि बॉयल किया जाता है 10-15 मिनट रिंस किया जाता है यानी कि कोल्ड वाटर के थ्रू या कोल्ड इन रनिंग वाटर स्टीम इन डिल्यूट एसिडिक वाटर. तो एसिडिक वाटर यानी कि जिसकी जो pH है वो एसिडिक होगी उसमें जो है वाटर में यानी कि इसको डिप कर दिया जाता है बिफोर पैकिंग एंड फर्दर स्टीम फॉर 30 seconds इन ए पास्चराइज स्टीमर. और इसके बाद जो है यानी कि इसको ये स्टीम के थ्रू गुजारा जाता है इन ए पास्चराइज स्टीमर फॉर 30 seconds. दिस टाइप ऑफ नूडल्स यूजली हैज़ ए शेल्फ लाइफ ऑफ 6 months to 1 year. तो इस तरह के जो नूडल्स होते हैं जिसमें यानी कि पास्चराइज स्टीमर वगैरह या जो दूसरे एस्टिक वाटर वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह दी जाती है तो इसमें जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो 6 माह से 1 साल होती है. Also called as a long variety noodle. तो इसको जो है long variety noodles भी कहते हैं. कुछ important step हैं जो कि ensure करते हैं optimal cooking. The weight of cooking water is at least 10 times that of uncooked noodles. तो यानी कि जो cooking water है वो हमने 10 times ज़्यादा लेना है than that of uncooked noodles. The size of boiling pot is proper. तो जो proper जो जिसमें हम cooking कर रहे हैं वो pot का size जो proper होना चाहिए. pH of boiling point is 5.5 to 6. तो जो pH है वो वाटर उसकी जो वाटर जो यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए उसकी जो pH है वो 5.5 से 6 होनी चाहिए. कुकिंग टाइम इज प्रिसाइजली कंट्रोल्ड. तो जो कुकिंग टाइम है उसको प्रिसाइजली कंट्रोल किया जाए ना ज़्यादा एक्सेस कुकिंग हो और ना वो कच्चे रहें. कुकिंग वाटर टेम्परेचर इज केयरफुली मेनटेन्ड एट 98-100 degrees थ्रू आउट द प्रोसेस. तो जो कुकिंग वाटर का टेम्परेचर है वो 98-100 degrees Celsius रखा जाता है और केयरफुली मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट जो है वो है नूडल ड्राइंग. तो नूडल ड्राइंग ये इट कैन बी अचीव्ड बाय एयर ड्राइंग डीप फ्राइंग और वैक्यूम ड्राइंग. तो ये दो तरह की जो है ड्राइंग उसके थ्रू अचीव किए जाते हैं. एयर ड्राइंग जो है द एयर ड्राइंग प्रोसेस हैज बीन अप्लाइड टू द मेनी नूडल ड्राइज सच एज चाइनीज रा नूडल्स जापानीज अडन नूडल्स स्टीम एंड एयर ड्राइड इंस्टेंट नूडल्स एंड अदर. तो उसके लिए जो है एयर ड्राइंग जो है वो हम यूज़ करते हैं. फॉर रेगुलर ड्राई नूडल्स रा नूडल स्टैंड फॉर अ सर्टन लेंथ आर हंग्स ऑन द रॉड्स इन अ ड्राइंग चैम्बर विद अ कंट्रोल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी.
तो ये जो है रेगुलर या ड्राई रेगुलर ड्राई नूडल्स या जो ना रॉ नूडल्स स्टैंड होते हैं उनको एक सर्टन लेंथ पे हंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है ऑन द रॉड्स इन ए ड्राइंग चैम्बर में विद कंट्रोल टेम्परेचर एंड रेगुलर ह्यूमिडिटी, ताकि वो ड्राई हो जाए। एयर ड्राइंग यूजली इन्वॉल्व मल्टी स्टेज प्रोसेस। तो एयर ड्राइंग जो है ये मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। इन द फर्स्ट स्टेज लो टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राई एयर आर अप्लाई टू रिड्यूस द नूडल मॉइस्चर कंटेंट फ्राम 45 to 25 to 27। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है तक, और जो टेम्परेचर जो मॉइस्चर कंटेंट कम किया जाता है वो अप टू 25 to 27। इन द सेकेंड स्टेज एयर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, तो जो सेकेंड स्टेज है उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और 70 से 75% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। इट इज़ यूज टू इंश्योर मॉइस्चर माइग्रेशन फ्राम द इंटीरियर ऑफ द नूडल स्टैंड टू द आउटसाइड। तो इसमें यानी कि ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है जो कि इंटीरियर पोर्शन में मौजूद है उसकी जो है वो आउटसाइड बाहर आ जाए। इन द फाइनल स्टेज द प्रोडक्ट इज़ फर्दर ड्राइड यूजिंग कोल एयर। तो ये जो डिफरेंट जो हीट ट्रीटमेंट के बाद इसको फर्दर जो है कूल ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि जो प्रोडक्ट ठंडी हो जाए। फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ एयर ड्राइड इंस्टेंट नूडल्स, नूडल स्टैंड आर फर्स्ट स्टीम फॉर 18 to 20 मिनट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, then dried for 30 to 40 minutes using a hot blast air at 80 degree Celsius। तो अगर हम एयर ड्राइड इंस्टेंट नूडल्स बना रहे हैं तो उसमें जो है नूडल स्टैंड जो है उसको सबसे पहले स्टीम करना है 18 से 20 मिनट 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर उसकी फर्दर ड्राइंग करनी है 30 से 40 मिनट इन द हॉट ब्लास्ट एयर में एट 80 डिग्री सेल्सियस। फ्राइंग ड्राइंग बाय फ्राइंग टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स। तो अगर यानी कि फ्राइंग करके हमने पैक करने हैं तो इसमें यानी कि ये है कि ये इस तरह की ड्राइंग जो है वो चंद मिनट लेती है। वेरी फास्ट प्रोसेस, वाटर वेपराइज क्विकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द नूडल अपॉन डिपिंग इनटू द हॉट ऑयल। तो हॉट ऑयल में डिप करने की वजह से जो है वो वाटर वो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ द एक्सटीरियर सर्फेस ड्राइव्स वाटर टू माइग्रेट फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर ऑफ द नूडल स्टैंड। तो जो एक्सटीरियर सर्फिस हैं वो जो ड्राइव्स कर लेंगी वाटर टू माइग्रेट फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर, तो यानी अंदर से वो बाहर आ जाएगा सर्फिस पे। इवेंचुअली सम ऑफ द वाटर इन द नूडल्स इज रिप्लेस बाय ऑयल। तो कुछ जो वाटर कंटेंट है वो जो ऑयली पोर्शन है उससे रिप्लेस कर देगा। मैनी टाइनी होल्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फ्राइंग। तो छोटे छोटे से जो है वो सराख भी बन जाएंगे जो फ्राइंग के दौरान हम कर रहे हैं ड्यू टू मास ट्रांसफर, एंड दे सर्व एज अ चैनल फॉर वाटर टू गेट इन अपॉन रिहाइड्रेशन इन हॉट वाटर। तो यानी कि ये जो छोटे सुराख बन गए हैं तो ये एज ए चैनल सर्व करेंगे कि जो वाटर है वो दोबारा गेट इन अपॉन रिहाइड्रेशन इन हॉट वाटर। तो अगर हॉट वाटर में इसकी रिहाइड्रेशन करेंगे तो दोबारा वाटर कंटेंट जो है वह वहाँ चला जाएगा। इट यूजली टेक्स 3 to 4 मिनट्स टू कुक आर सो इंस्टेंट फ्राइड नूडल्स इन हॉट वाटर बिफोर कंजम्पशन। तो ये 3 से 4 मिनट जो है वो लेते हैं टू कुक आर सो इंस्टेंट फ्राइड नूडल्स इन द हॉट वाटर बिफोर कंजम्पशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। सर बकवीट का बता दें प्लीज थोड़ा सा। वीट की टाइप ही है बकवीट। तो ये हमने पढ़ी नहीं है ना। नहीं हमने पढ़ी है। पढ़ी नहीं है डिटेल में। नहीं डिटेल में नहीं थी। नहीं सर सूडो सीरियल्स में आती है ना ये। हाँ यानी इसमें जो प्रोटीन ये सूडो सीरियल में जो आती है ना तो इसमें जो प्रोटीन वगैरह होता है वो जरा कम होता है। बकवीट आर कॉमन बकवीट इज अ प्लांट।